पेश है मेरा नया कारनामा जिसका नाम है दो जिस्म एक जान। मेरा दावा है कि जिंदगी में आपने ऐसा जादूगरी का खेल कभी नहीं देखा होगा जिसमें एक इंसान के दो टुकड़े कर दिए जाएं। तो पेश है मेरा नया कारनामा। इस कारनामे में मैं अपनी बेटी जया को इस स्टेज पे बुलाऊंगा और उसके दो टुकड़े करके दिखाऊंगा। तो इस कारनामे में मैं अपनी इस बेटी का सर इसके धड़ से अलग करूं और इतना ही नहीं, मैं इसके सर और धड़ दोनों को आपके सामने बादलों के पार भेजूंगा और फिर वापस बुलाकर इसी जगह फिर मैं इसके सर और धड़ को एक कर दूंगा। इंतजार था वो मिल गई। संसार का सुख चल घर जल्दी मत रुक मत रुक मत रुक। हम दोनों में से एक समय पर कोई एक ही इंसानी रूप में रह सकती है। मतलब जब मैं रहूंगी तो तुम नहीं रहोगी और जब तुम रहोगी तो मैं नहीं रहूंगी। समझ गई। पापा इस रविवार हम नाना नानी पास जाएंगे। कैसा है मेरा बच्चा? सासु माँ खुश है। तुम तो चार दिन के लिए गई थी ना पापा के पास, दो दिन में वापस। अपने बेटे पति और घर संसार से दूर नहीं रह पाई जी, इसलिए लौट आई। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं बंटी, अभी मम्मा आ गई हैं तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल। अभी हम मम्मा से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। चलो जया।
जया ये आवाज कैसी? कोई आवाज नहीं है। वैसे भी आपका सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। कैसा लगा मेरा पति? शहद से मीठा, इमली से भी खट्टा। बड़ा नाजुक है मेरा पति, जरा प्यार से नोच खसोट मत लेना बेचारे को, समझी? चल दफा, तेरी बारी में मैंने कुछ कहा था क्या? जाती हूँ। मेरा राजा बेटा, थोड़ा सा बस हो गया। हाँ, मैं अभी। तूने उसे दूध रोटी क्यों खिलाई? उसे दूध भात पसंद है। तो खिला दे। मेरा राजा बेटा, देख मैं तेरे लिए दूध भात लाई। तुम तो दूध और रोटी खाया था, फिर दूध भात? मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा मेरे लिए, बहू बस करो, जबरदस्ती मत करो इसे। अरे घड़ी घड़ी खिलाओगी तो बीमार पड़ जाएगा वो। सिर्फ बच्चा पैदा कर लेने से ना माँ नहीं बन जाती कोई। नहीं खिला रही, बस। खुश, मैं पापा को भेजती हूँ। हाँ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? उस होकल में कोई है। क्या हुआ? कोई है उसमें। क्या? कुछ भी नहीं है उसमें। कहाँ चला गया? नहीं नहीं, अभी तो था उसमें कोई। रो मत, आपकी ना आंखें खराब हो गई। मैं शाम को आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, आपका चश्मा बनवा देता हूँ। हाँ, हाँ। इतने सालों से इस ओखल को कोट रही हूँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास। तू अभी काम पे जाएगा ना, तो मुझे मंदिर छोड़ देना। आज भगवान के सामने एक नारियल चढ़ाऊंगी। यानी आजकल इस घर में क्या क्या हो रहा है। मैं ना मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ। अरे पापा जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। सुनिए, ये केले के पराठे हैं, समय से खा लेना।
थैंक यू सर। यहाँ इसने तो बहुत जोर की पप्पे की, ऐसे तो मैंने भी नहीं की थी। आज एकदम घोड़े पे सवार था, कल रात को दो दो बार प्यार और अभी दो दो बार। बात क्या है? अब चाहिए ना, देरी नहीं हो रही। चाहिए सुनिए, शाम को जल्दी आना। बहुत फैला लिया छिछल इधर, अब चलो। मत मारो, अरे मत मारो मुझे। तेरी बेटी का घर अब मेरा घर, तेरी बेटी का तन अब मेरा तन, तेरी बेटी का दूल्हा दूल्हा मेरा, तेरी बेटी का बेटा अब मेरा धन। मार क्यों नहीं देती मुझे? तूने मुझे मारा था, बोल। तड़पने छोड़ दिया था, 40 साल तड़पी हूँ। सुना है कि आप इस दुनिया की सबसे सिद्ध तांत्रिक जादूगरनी हैं, मुझे भी ये विद्या सीखनी है। सिखा दूंगी, गुरु दक्षिणा में एक मानुष की देह यानी एक जवान औरत की देह चाहिए, बोल देगा? हाँ दूंगा। विद्या तो सीख ली और धोखा दिया तूने मुझे। आओ सोमा, आज से तुम्हारा नया घर है ये। मानुष का बच्चा, कोमल देह और मांस भी कच्चा। गुरु दक्षिणा लेने आई हूँ। कौन है ये? वो ये होने वाली धर्म पत्नी। घबराओ मत, तो तुम्हारा भी मृत्युंजय पास में बांध दिया है तुम्हें, तुमने ही सिखाया था ना। एक बार जिस जीवात्मा को मृत्युंजय पास में बांध दिया, वो लौट कर कभी नहीं आया। तो जाओ, अब तुम भी बादलों के पार चले जाओ और फिर लौट कर कभी नहीं आना। जाओ। महामृत्युंजय पास में बांधा था तुझको, तू नहीं तो सिखाया था। एक बार अगर किसी जीव को महामृत्युंजय पास में बांधा तो वो फिर लौट कर नहीं आता।
तुझे सब कुछ तो सिखा दिया था, लेकिन एक बात नहीं सिखाई कि पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल पर जब सूर्य ग्रहण लगता है तो मृत्युंजय पाश भी टूट जाता है। वो गृहस्थी तेरी बीवी का देह पाकर नहीं बसा पाई, वो तेरी बेटी का शरीर पाकर जी रही, देख, और तू बेबस होकर देख रहा है। तूने दरवाजा बंद नहीं किया था? रिश्ते तेरे भी तो है, तू भी तो कर सकती थी। जल्दी से सोच रहा करना, वो बुढ़िया सबको सब कुछ बता देगी। तो शिकार किया जा। बड़े दिनों से कुछ खाया भी नहीं, भी बहुत लग रही। बुढ़िया को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, हाँ, हम अंदर नहीं जाएंगे। मैंने सच में दो बहू देखी है। हाँ, एक का चेहरा बहू जैसा है और बाकी का शरीर ना केद जैसा है, और जो दूसरी ना उसका चेहरा तो एकदम चुड़ैल जैसा है, और बाकी का शरीर ना वो सच में बहू जैसा है। माँ, आप ना चश्मा बनवाई लो, आपको हर चीज दो दो दिखाई दे रही। आपकी एक बहू है, आपको दो दिखाई दे रही। मैं काम करता हूँ, मैं शाम को जाता हूँ, आपके लिए चश्मा बनवा के लेके आता हूँ, ठीक है? अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? माँ, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे एक चीज बताइए, अगर जया गिद्ध है तो वो मुझे दिखनी चाहिए, बंटी को दिखनी चाहिए, नहीं दिखाई दी ना माँ? क्या क्या हो क्या गया? सासू माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आपने भोजन भी नहीं किया। देखिए ना, मैं वहाँ अकेली मसाला कूट रही थी, सासू माँ आई और फिर न जाने उल्टे पैर कहाँ चली गई। जया, माँ मेरे पास आई और मुझे कहती है कि तुम डायन, और तुम दो दो डायन बनके मसाला कूट रही। सासू माँ, ऐसा क्या देख लिया आपने? मैंने भी देखा है। मैंने तेरा पसंदीदा सोन हलवा बनाया है। सोन हलवा? यस। डरपोक दादी, डरपोक दादी। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ आओ। आई है ना सासू माँ? डरपोक दादी, डरपोक दादी, डरपोक दादी। सो, आवाज मत करो, चुपचाप से सो। आज तो भूत बनकर दादी को डराऊंगा। पिछले 10 सालों में जो तुमने नहीं किया, देर आए दुरुस्त आए,
बंटी, अभी शैतान कहाँ चला गया? तुम? हाँ मैं। मैंने तो तुझे कमरे में बंद कर रखा था ना। जया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में ऊपर बहुत ऊपर उड़े जा रहा हूँ। ये आवाज कैसी है? कोई आवाज नहीं आ रही। आपको भी ना अम्मा की तरह वहम होने लगा है। डरमा, देख मैं तेरी माँ, बच्चा है तू मेरा। दादी वाली बात किसी को बताना मत। कोई पूछे तो कहना दादी कहीं चली गई, ठीक है? चल अब सो जा। पापा, दादी। बेटा क्या हो गया? भूख लगी आपको? नाश्ता चाहिए? एक काम करो, अंदर जाओ, मम्मी नाश्ता देगी। नहीं नहीं मम्मी, वो दादी दादी रात को चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कुछ बता के गई है? कहाँ गई है? बेटा पापा को उठाना चाहिए था ना, बताना चाहिए था उनको कि दादी कहीं। माँ, 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 शैतान, क्या बताने वाला था? बोलना बोलना, क्या बताने वाला था? ऐसे ही चुप रहना, शाबाश। नहीं नहीं पुलिस के पास नहीं गया हूं, लेकिन जितने भी दोस्त हैं सबको बोल दिया है मैंने। लेकिन हाँ, उधर भी जाऊंगा मैं। तुम्हें मिली क्या? प्लीज यार थोड़ा सा हेल्प करना। हाँ जया, बच्ची नहीं है वो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? जहां भी होंगी आ जाएंगे। आप दोनों भोजन शुरू कीजिए, खाओ बेटा। हेलो, कुछ पता चला? लीजिए, संभाल के खाएगा। अरे नहीं समझ यार, तो क्या है ना, माँ आज तक बिना बताए इस घर से कहीं नहीं गई है। हाँ।
क्या दे रहा था आपको ये रोटी में? ओके हाँ? क्या दे रहा था तू पापा को रोटी में? बोल बेटा, बोल। पापा, मैं भी दादी को ढूंढने को आऊंगा। बेटा, तू नहीं जा सकता, तू बच्चा है ना। पापा, मैं भी आऊंगा अपनी दादी। ये ना बहुत डरा हुआ है, आप भोजन करने के बाद इसकी दादी को ढूंढ कर लाइए। हाँ मैं भी आऊंगा। चल बेटा आ जा। बच्चा है मेरा, बच्चा है मेरा, पर दिल का सच्चा है, अपने बाप को सब पता देगा। तो क्या करें, बेटा है, मार तो नहीं सकते ना। तो फिर बेटे जैसा है बेटा तो नहीं है ना। हाँ, और घर गृहस्थी का असली मजा लेना है तो बच्चा भी तो अपना होना चाहिए। जया, पहले सिर्फ माँ गायब थी, अब तुम कह रही हो कि बंटी भी कहीं चला गया है। पूरा दिन घर पे करती क्या, तुम्हें बच्चा नहीं समझता तुमसे? बच्चा तो दूसरा भी आ जाएगा, प्यार करो ना मुझे, तभी तो बच्चा आएगा पेट में, करो ना। पगला कहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी माँ हो तुम? एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? जया, तुम्हारे चेहरे पर मुझे तुम्हारे बच्चे के खोने का दर्द बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मेरी माँ नहीं मिल रही है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, और तुम्हें यहाँ पे पता नहीं। मैंने सच में दो दो, दो बहू देखी है। हाँ, एकदम चुड़ैल जैसी। कौन हो तुम? बंटी के खोने का डर मुझे भी है, मेरी तो जान निकली जा रही है। तुम क्या जानो मुझे कितना दर्द हो रहा है। मैं तो बस तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत परेशान हो रहे थे ना, बस इसलिए। मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी दोगी प्लीज? प्लीज अभी लाए। क्या हुआ, नीचे क्या कर रहे हो? पैर स्लिप हो गया था उसके। कैसे? पानी पियो। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वो बंटी, बंटी की चिंता हो रही है मुझे। मैं काम करता हूं कि उसके दोस्तों के यहां देख के आता हूं, वो वहां पे जरूर मिलेगा। मैं पूछता हाँ, जाने दो, जाने दो, जाने दो प्लीज, जाने दो, जाने दो मुझे प्लीज। हाँ तो जाओ ना, और
मैं मेरे बंटी को कहीं से भी लेकर आऊं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब देख क्या रहे हो, जाओ ना जल्दी से। हाथ। जल्दी आना। बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना मत। वहीं पर देखो, ये सब क्या है? जया, मां सही कह रही थी कि डायन हमारे घर में, ये तुम्हारा भेष बदलकर इस घर में रह रही है। अब क्या करें? तुम कहां चली गई थी? और तुम्हें पता है हमारा बंटी? मैं उसी को ढूंढ रही थी, कब से मिल ही नहीं रहा है वो। हम एक काम करते हैं, हम तांत्रिक के पास चलते हैं। अब एक वही आदमी है जो जो इस डायन को इस घर से निकाल सकते हैं। चलो। आप भी जाना जरूरी है। जय, ये सही टाइम नहीं है। मैं तांत्रिक के पास चला। और सर मेरे पास। मैं कपाली, तेरी घरवाली। मैं भी कपाली, तेरी घरवाली। हम दोनों को तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए? पति का प्यार और अपनी कोख में अपना बच्चा। हम दोनों को चाहिए क्योंकि मैं भी कपाली और ये भी कपाली। और अगर ना नकार की या भागने की कोशिश की तो हम दोनों नोच नोच कर खा जाएंगे, क्योंकि तो बड़ा मीठा है, स्वाद भी बहुत आएगा। के बाद पति मेरा, समझे? मत मारो मुझे।
ये लोग उखल में किससे बात कर रहे हैं? हे कपाली, मेरा बच्चा ज्यादा गोरा होगा, एकदम चांद जैसा। क्यों, मुझ में कोयला लगा है क्या? मेरा ज्यादा गोरा होगा। तू जलती है मुझसे। तू जलती है मुझसे। मेरा पति मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मुझसे ज्यादा प्यार करता है और मेरे बच्चे को भी ज्यादा चाहेगा वो। तेरा मुंह नोच लूंगी मैं तेरी आंखें चबा जाऊंगी, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है। गुंजन बेटा, मैं आपका ससुर। ससुर जी, आप इसके अंदर कैसे पहुंचे? बेटा, वो सब बाद में पूछना, पहले मुझको लेकर के कहीं और चलो। हाँ। ससुर जी, आपको बाहर कैसे निकालना है? इस ओखली में कहीं कोई अभिमंत्रित कील होगी, बस तुम जैसे ही वो कील निकालोगे मैं इस ओखली से मुक्त हो जाऊंगा। ढूंढो बेटा, जल्दी निकालो वो कील। जी। ससुर जी, खुश रहो, ये मेरी तंत्र गुरु है और ये पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। ये अपने तंत्र की शक्ति से जया के शरीर में दो दो टुकड़ों में घुसकर दो दो जया बनकर आपके साथ रह रही है। इस डायन ने आपकी माँ को भी खा लिया। क्या? मेरे नाती बंटी को कद्दू बना दिया। ससुर जी, देखिए माँ तो नहीं रही लेकिन मेरे बीवी और बच्चे, उनकी जान बचा ली। ससुर जी सोचिए प्लीज। तुम दोनों मुझसे इतना प्यार करती हो, सच कहूं तो तुम दोनों का प्यार और त्याग देखकर मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। मुझ पर तुम आधी इधर हो आधी इधर हो। मैं एक बार तुम्हें पूरा तुम्हारे असली रूप में प्यार करना चाहता, तभी तो तुम्हारी कोख में जो बच्चा आएगा वो पूरी तरह से हमारा होगा ना। कौन कहता है कि प्यार शरीर से होता है? प्यार तो आत्मा से होता है ना। मैं तुम्हारी आत्मा के साथ एक रात बिताना चाहता हूं, तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत हो कपाली, मैं
जया। पापा जय, तुम्हारे पति की जान खतरे में। क्या? चलो चलो चलो। तांत्रिक जादूगरनी के साथ धोखा, मोटी मोटी नोट दूंगी मैं तेरी। मेरे दबात को छोड़ दे, सबको मार डालूंगी मैं, और सबसे पहले मारूंगी। मेरी मौत मेरे हाथों लिखी है कपाली। अमर हूं मैं। इस मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं है कपाली, तू भी। मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह तूने मुझे तंत्र विद्या सिखाते वक्त अपने प्राण मेरे नाभि में छिपाए थे। तूने सोचा होगा कि मैं अपने प्राण कभी लूंगा नहीं और तू अमर हो जाएगी, पर ये तेरी सबसे बड़ी भूल थी कपाली। मैं अपनी बेटी और उसके परिवार को बचाने के लिए अपने प्राण भी ले लूंगा। पापा, 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 तुमने क्या किया पापा? पापा, मम्मी ने आना पापा, पापा मम्मी ने आना। नहीं बेटा, ये तेरी असली माँ। Oh, my God.